हेलो नमस्कार, मैं नमर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण को लेकर नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया है और अतिथि शिक्षकों ने फाइनल डिसीजन ले लिया है। अगर जल्द से जल्द इनका नियमितकरण का फैसला नहीं करती है सरकार तो भोपाल में आंदोलन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है अतिथि शिक्षक संघ के, और मुख्यमंत्री ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, पूरी वार्ता मैं आपको बताने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक हो सकता है और नियमितीकरण के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण का फैसला कब तक हो सकता है इसके बारे में जानकारी दूंगा और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। अब अतिथि शिक्षकों को चुनावी साल है तो जल्द से जल्द नियमितीकरण का फैसला हो सकता है। 1 या 2 महीने के अंदर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शिवराज सरकार की तरफ से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, अतिथि शिक्षकों को भी आश्वासन मिल चुका है कि जल्द ही इनका नियमितीकरण होगा। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें, एक वीडियो में दिखाने वाला हूं। क्या जरूरी होता है कि आंदोलनों का मतलब ये हो कि राजधानी में इकट्ठा हुआ जाए? जब तक किसी दफ्तर के बाहर, सरकारी दफ्तर के बाहर, मंत्रालय के बाहर, विभाग के बाहर, मंत्री के घर के बाहर धरना दिया जाए, आमरण अनशन किया जाए, तब जाकर सरकारें आती हैं। फिर उसमें सरकार नहीं सुने तो विपक्षी दल आते हैं। चुनाव का साल है तो भरोसा दें कि अभी हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे। दरअसल भोपाल में इन दिनों होने वाले कर्मचारी वर्ग के आंदोलन हो या फिर परीक्षार्थियों के आंदोलन हो, चाहे वो वर्ग 3 को लेकर हुआ आंदोलन हो या फिर हाल ही में पटवारी परीक्षा को लेकर हुआ आंदोलन हो, वो सब नेता उसे एक तरीके से वोटों की खेती के तौर पर, फसल के तौर पर देखते हैं। उसी के तौर तरीके से इसकी बात होती है। क्या चुनावी साल में सब कुछ चुनावी चश्मे से ही देखा जाएगा? क्या चुनावी साल में बात उसी की सुनी जाएगी जो भोपाल में आएगा, उसी की सुनी जाएगी जो हंगामा करेगा, या उसी की सुनी जाएगी जिसके साथ वोटों का बल होगा, दम होगा? सवाल यहां पर सरकार की नीतियों का है, रीतियों का है। इसीलिए हम उस चीज को भूले नहीं है। याद कीजिए, जब इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, शुरुआती दौर में हमने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया था। जिंदगी के 15, 16, 17, 18, 20, 20 साल जिन्होंने दे दिए अपनी शिक्षा व्यवस्था को अतिथि शिक्षक के रूप में, अब जैसे जैसे नई भर्ती होती जा रही है वैसे वैसे उन्हें उन्हें अपने उस पद से मुक्त किया जा रहा है। इतने साल देने के बाद क्या बचा कुचा करियर उनका उसी डिपार्टमेंट में संभव नहीं था? ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसे हमने याद हो जब उठाया होगा। बहुत दिनों से हमने देखा, जरूरी नहीं कि हर वर्ग हो, हर तबका हो, वो भोपाल में जाए, वहां पर चक्का जाम करें, आंदोलन करें अपनी बात मनवाने के लिए। क्योंकि कई बार किसी शायर ने कहा है कि जहनों में जंग जारी है जिसका कोई ऐलान नहीं। तो आज हम फिर से मुखातिब हैं अतिथि शिक्षक संघ के उन तमाम लोगों के साथ में, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से, अलग अलग हिस्सों से वो तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संबल देने में निकाल दिया। अब उनसे ऐसे नाता तोड़ा जा रहा है जैसे कोई मतलब ही ना हो। तो इसी बात को हम कोशिश करने के लिए दिलपिटा प्लेटफॉर्म है कि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, दिलपिटा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम भूलते नहीं। कुछ भी हो जाए, हमारी कोशिश ये होती है कि जो बात है वो कम से कम सरकार तक पहुंचे जरूर, सरकार को याद आए कि अतिथि शिक्षक जो इतनी बड़ी तादाद में, लगभग 2 लाख के आसपास अतिथि शिक्षकों के साथ जो सरकार का सलूक है वो कैसा है, उनके मन में आज भी भावना क्या है और उनकी आज भी तकलीफ क्या है, ये तकलीफ बयान होनी चाहिए। सबसे पहले मैं रुख करूंगा केसी पवार साहब का। पवार साहब अध्यक्ष रहे, इस पूरे आंदोलन की उन्होंने नुमाइंदगी की है। पवार साहब नमस्कार, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जी, आप वो माइक को अनम्यूट कर दिए, MIC जो लिखा है माइक, उसको एक बार टच कर दीजिए तो आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी। हेलो, आवाज आ रही शंकर जी? बिल्कुल आ रही है पवार साहब। पवार साहब, वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या हालात हैं? चुनावी साल में सरकार सौगातों की बौछार कर रही है, संविदा कर्मचारियों को सरकार ने नियमित जैसा वेतन तक और भत्ते तक से लेकर अनुकंपा नियुक्ति तक दे डाली, अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं कुछ घोषणा, कहीं कुछ सोच रही है सरकार, कहीं कोई संकेत मिलते हैं आपको? अभी तो शंकर जी ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो
सरगर्मियां बढ़ रही हैं, हमारे बारे में सरकार के द्वारा नरम रूप अपनाया जा रहा है। पहले जो बयानबाजी हमें लेकर होती थी कि ये अतिथि है, इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये वैकल्पिक व्यवस्था है, परंतु जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हमारे तरफ रुख नरम हो रहा है। सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी बोल रहे हैं कि हम नीति जी बनाकर आप सोच रहे हैं आपके बारे में, और शीघ्र ही जैसे अन्य विभागों के कर्मचारियों की महापंचायत बुलाई है, उसी प्रकार आपकी भी महापंचायत बुलाई जाएगी। अच्छा, तो यानी इस सरकार की तरफ से जी इस तरह का रुख है कि संभव है कि अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई जाए। जी जी जो सरकार के माध्यम हैं, जिन्हें कर्मचारियों की समस्याओं को जी कौन लेकर सा, नियुक्त किए गए हैं, उनसे हमारा संपर्क हो रहा है जी, और जी उनके तो द्वारा आपको ही बताया जा ऐसे रहा है कि संकेत हमने भोपाल से मिले हैं कि इस आपको तरह जी, हाँ भोपाल बोलिए से बोलिए, मिले आप हैं, और कंटिन्यू कीजिए। सरकार ने जिन्हें नियुक्त किए गए हैं, कर्मचारी और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके माध्यम से मिले हैं। अभी हम 2 दिन भोपाल लेकर पूरी आजाद टीम लौटी है और सारी हमारी चर्चाएं हुई है, अतः हमें भी पूर्ण विश्वास है कि पिछली गलतियां ना करते हुए सरकार हमें शीघ्र बुलाएंगी और हमारी जो पद स्थायित्व की बात है, नियमितीकरण की बात है, वो पूरी होंगी। ये तो शंकर बहुत जी अच्छे संकेत हैं अगर सरकार से सुने, क्योंकि हमारी भी कोशिश यही है कि कम से कम सरकार सुने, क्योंकि वरना ये इस साल में अगर जी अनसुनी हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि कभी कभी सुनवाई होगी इसकी। दर्शकों को हम हमेशा बताते आए जी हैं कि आखिर वर्तमान में शिवराज सरकार बनी है और कांग्रेस की सरकार गई है, तो दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दे, वो आप ही का मसला था, अतिथि शिक्षकों का ही मसला था, जिसके ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया था कि सड़कों पर उतरना होगा, कमलनाथ के मुंह से निकल जाता है कि इस पर सड़क पर उतर ही जाइए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी गुस्से में कांग्रेस छोड़ देते हैं, बीजेपी चरण में चले जाते हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। बार बार याद दिलाना इसलिए जरूरी होता है कि कम से कम नेता इसी लालच में आप लोगों को नियमित कर दे। जी, परंतु सर हमारे विषय बिल्कुल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदरणीय सिंधिया जी ने हमारी बात उठाई और माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान के जो कमलनाथ जी से उनकी तनातनी हुई और उन्होंने कहा कि भाई रोड पे उतरना है तो उतर जाए, परंतु सिंधिया जी रोड पे उतरने की बजाय मंत्री बन गए और हम अतिथि शिक्षक आज भी रोड पर ही है। तो ये बातें माननीय बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि जिन व्यक्तियों के मुद्दे पर हमने पुनः सरकार बनाई है, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए, और हमें 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की उम्र तक का स्थायित्व प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल, सेवाकाल और स्थायित्व तो प्रदान करना चाहिए। पवार साहब तमाम जगहों से, अलग अलग जिलों से हमारे साथ, आप ही के साथ ही जुड़े हैं। सादिक खान जी हरदा जिले से हमारे साथ में जुड़े हैं। खान साहब, वहां क्या स्थिति, क्या हालात है? आपने कितने साल वहां पे अपनी सेवाएं दी हैं इस डिपार्टमेंट को, और वर्तमान क्या स्थिति, क्या नई ज्वाइनिंग के साथ ही पुराने जो है उनको हटाया जा रहा है अतिथि शिक्षकों को, क्या हालात है? सादिक खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा। जी नमस्कार जी नमस्कार। जी सर, मैं विगत 14 वर्षों से एक ही स्कूल में कार्य कर रहा हूँ, और अभी बीच में कोरोना काल में हम लोगों को हटा दिया गया था। इसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर लिया, और अभी वर्तमान में सर जो इस सत्र में भर्तियां हुई है वर्ग 3 में, इससे हमारे काफी लोग बाहर हो गए हैं। जिन्होंने दस अच्छा साल 12 साल जिन्होंने समय दिया था, वो हमारे लोग बाहर हो चुके हैं। तो एक ही मांग है हमारी कि जो लोग बाहर हो चुके हैं या फिर किसी प्रकार से उनको समय मौका नहीं मिला है, सरकार उनको भी, उनके लिए भी कोई नीति बना के उनको भी सेवा में लाने का मौका दे। जी, जी तो पवार साहब हमारे साथ जुड़े। पवार साहब, जो संकेत मिलते हैं वो क्या कहते हैं कि जो लोग बाहर हो चुके हैं, क्या उनको भी वापस से फिर से लाने के लिए सरकार कोई नीति बना सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जब चर्चा हुई है सरकार के
जो माध्यम है उनके सामने हम ये पक्ष बिल्कुल रखा है कि जो लोग वर्तमान में पदस्थ है वो भी, और जो हमारे इसी कारणवश ट्रांसफर के कारण पद न होने के कारण बाहर हो चुके हैं, सेवा में लेकर एक ऐसा केडर और एक ऐसा केडर है जिससे हम सभी साथियों को भला हो सके और सारे शिक्षक हमारे कार्य अनुभव के आधार पर नियमित होकर। बिल्कुल। अब हमारे साथ में पवार साहब का माइक म्यूट कर दीजिए संतोष।